How do you account for the fact that though alkaline potassium permanganate and acidic potassium permanganate both are used as oxidants? पोटाशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं, KMnO4 को बोलते हैं, ओके। पोटाशियम पर मैंगनेट, ये के प्लस पोटाशियम MnO4 नेगेटिव को बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, ठीक है। तो ये KMnO4 होता है पोटाशियम पर मैंगनेट, एल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट एज वेल एज एसिडिक पोटाशियम पर मैंगनेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ओके। ये तो बात बता रहा है बस वो एक। येट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन, ये होती है टॉलुइन, इसको टॉलुइन बोलते हैं, मतलब C6H5CH3, ये टॉलुइन होती है, ओके। टॉलुइन से जब आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड होता है ये बेंजीन, इसके साथ एक COOH लगा दो, ये होता है बेंजोइक एसिड, मतलब C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। तो टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना मतलब ऑक्सीडेशन करना होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई ना, देखो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है ना, तो ऑक्सीडेशन है ये। तो जब आपको बेंजोइक एसिड बनाना है टॉलुइन से, हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडेंट, हम अल्कोहलिक पोटाशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई? और फिर पहले तो पूछा ऐसा क्यों करते हैं, दूसरा फिर इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बताओ, ये बोल, ठीक है। तो देखो इसका कारण ना सॉल्युबिलिटी है, अगर आपको रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाना है तो वो एक आपस में मिक्स तो होने चाहिए ना, अगर मान लो रिएक्टेंट आपस में मिक्स ही नहीं हुए तो उनमें रिएक्शन कैसे होगी, ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ना केमिस्ट्री में रिएक्शंस को करवाने के लिए एक रिएक्शन मीडियम चाहिए होता है, या तो आप वेपर फेज में करो रिएक्शन कि सारे के सारे रिएक्टेंट को गैस बना दो, गैस तो अपने आप मिक्स हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं है ना, गैस थोड़ी होता सारा कुछ, कुछ सॉलिड होता है कुछ लिक्विड होता है, उनको मिक्स करने के लिए उनको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाता है जिस सॉल्वेंट में सारे रिएक्टेंट्स मिक्स हो जाएं, सॉल्युबल हो जाएं, फिर रिएक्ट करते हैं, इसलिए सॉल्वेंट चाहिए होता है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए, समझ में आई बात है, वही इसका कारण है। देखो पोटाशियम परमैंगनेट एंड एल्कोहल बोथ आर पोलर, पोलर है ये, देखो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें पोलैरिटी है ना बॉन्ड्स में, देखो के पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो Mn डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव। तो मैंगनीज और ऑक्सीजन जो है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना भाई, तो इसमें पोलैरिटी होगी ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैंगनीज से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से होगा, हालांकि ये ऐसा होगा, ये पोलर है, ये ऐसे होगा, यहां रेजोनेंस हो जाएगी, ये तो दोबारा ड्रॉ करता हूं, Mn डबल बॉन्ड O है ना, तो यहां रेजोनेंस नहीं हो जाएगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, नहीं समझ आ रही बात है। सो Mn डबल बॉन्ड O, O सो Mn ये रेजोनेंस हो रही है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भले बताओ, हाँ नहीं आ रहा तो मैं साइड में बताता हूँ ठीक से, हाँ नहीं समझ आ रहा है। देखो परमैंगनेट की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होता है ठीक है ना, तो वहां 6 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ऐसे इस तरह से हर एक 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 बार आएगा ना ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ये वापस ये
यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। एमएन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ऐसे और ऐसे, एम एन डबल बॉन्ड हो, तो ये तो रेजोनेटिंग चेन। रियल हाइब्रिड क्या होगा? एम एन जो एक लोन पे वो जो है सब जगह डिलोकलाइज्ड होगा ना, डैश 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 ऐसे। तो एक नेगेटिव चार्ज कितने में बट गया? चार में बट गया ना, तो एक ऑक्सीजन पे -1/4 चार्ज आ जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात है? हाँ, तो ये पोलैरिटी हो गई ना डेवलप, पोलर हो गया ना, ये पोलैरिटी डेवलप हो गई ना, तो ये पोलर है। बात कहाँ पे? तीन कहाँ पे? ये तो इक्विवेलेंस का साइन है, मतलब ये तो रेजोनेंस। जब आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने होते तो ऐसे ड्रॉ करते हो, जब रियल हाइब्रिड दिखाना तो तीन ऐसे मारते हैं। इसका मतलब इसके बाद मैंने रियल हाइब्रिड ड्रॉ किया। ओके, तो पोटासियम परमैंगनेट, ये मैंने इतनी बात इसलिए बताई ताकि आप ये मान जाओ कि पोटासियम परमैंगनेट पोलर होता है, बस इतनी सी बात थी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो उसने पूछी। अल्कोहल हाँ पोलर होता है, और एल्कोहल भी पोलर होता है। एल्कोहल क्या होता है? कोई एल्काइल ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2OH। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है ना। ये दोनों क्या है? पोलर है। समझ में आई बात? इसलिए केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गई बात है? तो इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। फिर देखो टॉलुइन एंड एल्कोहल, टॉलुइन क्या है? नॉन पोलर है, ये टॉलुइन है, ये नॉन पोलर है। ओके, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, क्लियर। एल्कोहल, अभी तो मैंने बोला एल्कोहल पोलर है, ठीक है ना, लेकिन एल्कोहल नॉन पोलर भी होता है। एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर ऐसे नहीं होता। मान लो मैं ये बड़ा सारा एल्कोहल ले रहा हूँ CH3, CH2, CH2, CH2OH, मैंने थोड़ा बड़ा एल्कोहल ले लिया, तो ये जो पार्ट है ये तो नॉन पोलर, इतना हिस्सा तो इसका नॉन पोलर है ना, ये तो सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड से बना, ये तो नॉन पोलर है। ये हिस्सा क्या है? पोलर है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। ये ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत पोलर पार्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इसलिए टॉलिन को डिजोल्व कर लेंगे, क्योंकि टॉलिन भी नॉन पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक। समझ में आ गई बात है? तो मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। तो टॉलुइन और अल्कोहल दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इसलिए मिसिबल मतलब मिक्स हो जाना, इसलिए आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या, जो एल्कोहल था एल्कोहल ने पोटासियम परमैंगनेट को भी डिजोल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट पोलर था और एल्कोहल के पास पोलर पार्ट अवेलेबल है। एल्कोहल ने टॉलिन को भी डिसॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि टॉलिन नॉन पोलर था, एल्कोहल के पास नॉन पोलर पार्ट भी अवेलेबल है। समझ में आई बात है? तो इसको मेन क्या था आपको, टॉलुइन और पोटेशियम पर रिएक्शन, तो आपको पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ करवानी है। टॉलुइन की रिएक्शन क्या हो रही है? टॉलुइन पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बन रहा है, तो रिएक्शन तो पर मैंगनेट और टॉलुइन कर रहे हैं, एल्कोहल का तो कोई रोल ही नहीं है ना, लेकिन रोल क्या है? उनको पकड़ के साथ में बिठाएगा एल्कोहल। समझ में ही बात है? मिसिबल भी, ठीक है। दस द रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग पोटेशियम परमैंगनेट टॉलुइन एंड एल्कोहल इज अ सिंगल फेज रिएक्शन, मतलब सारी सिंगल फेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इफ एक्वस एसिडिक और एल्कलिन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज इंस्टेड ऑफ एल्कोहलिक, देन इट विल बी ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज टॉलुइन एंड वाटर। देखो अगर आपने एक्वस मीडियम ले लिया, अभी तो मीडियम आपने एल्कोहल लिया,
अगर आपने अल्कोहल की जगह मीडियम एक्वस ले लिया, मतलब पानी ले लिया, पानी क्या होता है? H2H, वाटर। इसमें कोई नॉन पोलर पार्ट तो है ही नहीं, ये पोलर पार्ट है ना सारा का सारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होता है। कोई नॉन पोलर पार्ट दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। तो इसमें KMnO4 तो डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 पोलर है, लेकिन टॉलुइन तो नॉन पोलर है, टॉलुइन इसमें डिजोल्व होगा नहीं, तो एक अलग लेयर बन जाएगी। समझ नहीं बात है, टॉलुइन और वाटर की एक अलग लेयर बन जाएगी, आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो टॉलुइन और वाटर मिक्स ही नहीं होंगे, और वाटर के अंदर KMnO4 पड़ा हुआ है। समझ नहीं बात। ये देखो मैंने ब्लू में दिखाया वाटर, वाटर के अंदर क्या है? KMnO4 डिजोल्व है। अब मैं इसमें अगर टॉलुइन डालता हूँ, टॉलुइन तो एक सेपरेट लेयर बना देगा ना, तो मिक्स ही नहीं होगा इसमें। तो टॉलुइन और KMnO4 तो अलग अलग लेयर में बैठे हैं, तो रिएक्शन कहाँ से हो जाएगी? नहीं समझ में आ रही बात? यही बात है, अगर आपने एक्वस एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट यूज किया, एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन मिक्सर बन जाएगा। हेट्रोजीनियस मतलब मिक्स नहीं होगा वो टॉलुइन और वाटर में, ठीक है? क्योंकि टॉलुइन और वाटर इनमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते। तो होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड फास्टर देन हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। होमोजीनियस तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे ना। हेट्रोजीनियस में एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा, रिएक्ट थोड़े बहुत रिएक्ट करेंगे जो इंटरफेशियल सर्फेस में होंगे बस, तो फिर नहीं होगी रिएक्शन। इसलिए हम एल्कोहलिक पोटाशियम पर मैग्नेट यूज करते हैं, ना कि एक्वस एसिडिक और बेसिक। समझ में आई बात है? तो इस सॉल्वेंट का महत्व था। इस रिएक्शन क्या है? टॉलुइन पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करके बेंजोएट, बेंजोएट क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है ना, बेंजोइक एसिड देखो C6H5COOH होता है बेंजोइक एसिड। अगर आप इसको एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में रखोगे, तो उसका एच चला जाएगा ना, ये एसिडिक होता है, तो C6H5CO-, ये एसिडिक एच बाहर चला जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा, क्योंकि मीडियम बेसिक है, इसलिए। समझ में आ गई बात? और ये NO2H2OH- बन जाएगा। ये रिएक्शन ना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कैसे लिखनी है रिएक्शन, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाऊंगा, ओके? ये आप अपने आप बना लोगे रिएक्शंस।